हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। बैठ जा चल। और आज हम जा रहे हैं मुक्तेश्वर। बैठा नहीं हूँ मैं, रुक जा रुक जा, इतनी जल्दी नहीं है हम तो। ठीक है, आज हम वैसे दो लोग नहीं जा रहे हैं, आज हम लोग जा रहे हैं पांच। दो दोस्त आगे जा चुके हैं, उनके पास ना बुलेट थी, इसलिए आगे भेज दिया। आवाज आती है बहुत ज्यादा, कड़ 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 यार आवाज। लास्ट ब्लॉग में ना आवाज नहीं आई थी ठीक से, तो हम लोग जा रहे हैं छह लोग। दो हम लोग हैं, दो हमारे दोस्त हैं, एक मोहसिन आ रहा है। तो पांच हुए ना तेरी, तो मैं दीदी का ये छठा बंदा पीछे लगता है। बड़े मजे से निकले थे, सुबह सुबह करते 9 बजे। और भाई सारे ग्रुपों का एक ही रोना, एक बंदा हमेशा ग्रुप में लेट कराता है। ऐसा ये लोग तो जल्दी आ जाते हैं, ये हमारे बहुत दूर के हैं। टाइम टू टाइम मैं अपडेट देता रहूँगा। मैं चांद बाब कैमरामैन अंकुर के साथ। अब 12 बजे भी अभी इसको गाड़ी के ब्रेक टाइट कराने निकलने नहीं दिया इस आदमी ने। हाय बोल, तुझे गालियां पड़ने वाली है इस वीडियो में। कान में गाली बद्दू उसके। वासु ओए वासु, इससे जितना दूर रहेगा ना उतना तेरे लिए भी बेहतर है। और जस्सी तू तो बिल्कुल पास में। तू तो भाई नहीं यार जस्सी, तू मच्छा पर अपना काम धंधा दे, इससे दूर से। 12:12 हो गए और अब निकल रहे हैं किच्छा से। भाई तो बहुत ज्यादा हो गया, पर ये लगता है ना अगर यार उठाना पड़ता है दोस्तों को भी, मैं अपने अकॉर्डिंग लेके नहीं आएंगे तो रोते हैं फिर ये लोग। 1 बजने वाला है और अब हम लोग काठगोदाम मतलब पहुंच ही गए। अब यहीं से प्लान चेंज हो रहा है, लोग बोल रहे हैं कि मुक्तेश्वर में ज्यादा व्यू नहीं अच्छे। अब देखते हैं फिर यार और कहाँ जाते हैं। जल्दी बोल। चाचा राम 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 राम। इतने दोस्त लेके जा रहे हैं, उतनी लोकेशन चेंज हो रही है, 4 लोकेशन चेंज कर चुके हैं लोग। तो फाइनली प्लान बना नैनीताल जाने का। उधर जाके ब्लॉग बना, उधर वो देख जंगल में फाइनली खड़े हैं, उधर पहुंच गया फाइनली। आप प्लान बना नैनीताल का जाने का, क्योंकि मतलब नैनीताल तो नहीं रुकेंगे वहाँ से थोड़ा। तेरे को मैंने बीच में बोलने तो दे, जब मैंने तुझे बीच में रोकी बात तेरी तो तुझे अगला होना चाहिए था। अच्छा यहाँ से बनाता तुरंत सिर हो जाते बेसरमो की तरह। पत्तल भी लाया टाइम ब्लॉग बनाने दो भाई, पहाड़ पे ब्लॉग ना बनने का ही तो मजा है। अगल लकड़ी पे बनी हुई चाय होती है ना, उसका बेनिफिट ये होता है गाड़ी का, इसके बेनिफिट काफी। अभी अभी ना पूरी कायनात ये चाहती है कि तुम वहाँ पे मत जाओ, इतनी मुश्किल से आगे बढ़े थे और अब बारिश होने लगी। बात बोलने वाला था कैमरा घुमा दिया, इसमें थोड़ी दाल डाल दो, छोटी वाली गुड़िया बड़े चाव से खाती है। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है सब जगह, तो ओले पड़ने लगे और ओले पड़ने लगे यहाँ पे, तो ओले पड़ने लगे। और हम लोग ट्रैकिंग के लिए निकले, सबने अपने अपने बैग लिए, अपने ट्रैकिंग कार ले आते अंकुर से अच्छा, तो यार हेलीकॉप्टर ले आता, हवाई जहाज ले आता, पर्सनल वही होता है। लोगों को आने के बाद ही पता चलता कि हम तो कार। तू चुप रहे, तुझे बोला है उसका भाई ओए सिगरेट वाले, अगर तू क्या कहते पहले बोल देते ना हम इसको, तो मैं गाड़ी ही लेके आता भाई। तो मेरी गाड़ी के लिए तुम ज्यादा क्यों बोल रहे हो? आज बन गया तो कार से ही चलता, मैं ही देख रहा था ना, तुम लोगों को तो दिखते नहीं है। अरे गाड़ी तो बना दी तुमने, क्या ऑर्डर किया ना, जो ऑर्डर किया खाना, तो कहते तू पूछ के बैठते ना, मेरे मुंह में जवान थी ना एंकर। नहीं आ रहा हूँ थोड़ा और झुका अजय देवन की तरफ। हाँ यार तुम लोग तू कहीं बोल रहा तो जी कान काम सुनते ना। मौसम मस्त हो गया ना, कुछ भी हो यार अंकुर मौसम बहुत सही हो गया यार। अरे मुझे मौसम बोलो, कहीं गिर गिरा ना गए मैं। अभी 3 भूत और है ना हमारे साथ, वो चमगादड़ चमगादड़ काला काला कपड़ों में, काला कपड़ा ये हमारा काला भूत है, काला कपड़ा। बहुत देर से गाना आ रहा था माइंड में, छोड़े आए निशानी दिल्ली में, तल्ली मारा से तरी पे तलक तेरी मेरी कहानी। ओहो काली कमली वाले को याद करके तेरे काले काले नैनो की कस। चल भाई पीछे बारिश आ रही है, तेरे काले काले नैनो की बलाए ले, तेरे काले काले नैनो से मेरी जान में हाने ऑटो पे का। जो जोश में यार चश्मा खो दिया इन्होंने, अब उसके एक को दिखता नहीं है। ढूंढो भाई ढूंढो, मिल गया मिल गया।
चलो फिर चलो चलो चलना चाहिए चलना चाहिए चलो चलना चाहिए आ जाओ पानी नहीं रखा पानी पी लेते ना पहले क्या क्या मतलब क्या क्या पानी पानी पी ले क्या बोलता है पानी मेरे हिसाब से पानी से ही प्यास बुझेगी पानी से जगह में कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक शांत तो होगा नुकसान तो हुआ मेरा भाई 1700 का फ्रेम क्या लगता है तुझे क्या हुआ है नुकसान तो हुआ है ना नुकसान तो हुआ है नुकसान हो गया जस्सी जस्सी नुकसान मुझे लग रहा नुकसान हो नुकसान तो हुआ है भाई लगना भी चाहिए नुकसान मुझे एग्जैक्टली जो लग रहा है वो नुकसान हुआ है नुकसान हुआ भाई साहब सब मुझे आ जाओ सब लोग बताओ क्या हुआ क्या नुकसान तो जो है डंडा टूट गया तो फिर क्या हो गया नुकसान तो नुकसान हो ये बहुत क्वालिटी वाला डंडा था देखो तो नुकसान हो गया फिर तो नुकसान हो गया नुकसान था नहीं थोड़ा लेकिन ये नुकसान हो गया ये बन गया नुकसान बनता है नुकसान थोड़ी नुकसान बनता है नैनीताल तो पहुंच गए हम लोग देखते हैं सुपर किस जगह लेके जाता है तो सर में दर्द हो गया बहुत तेज यार अभी ना थोड़ा छींक वीक मिली है और बारिश में भी भीग गया काफी इस टाइम में पहाड़ अच्छा है तू ही बोल मैं तीन बार चंदन बोलने वाला पहाड़ अच्छा ना मुझे नहीं बोलना तू बोल तेरे को बहुत बोलना बोल तो अगेन नैनीताल आ चुके हैं हम लोग उसके बाद देखते हैं ये बंदा लेके जाएगा हमें जस्सी गहरा ना जस्सी गहरा गहरा कितना गहरा कि जब कूद के पता करके जब पता करके बता दे रहा हूं कि इसकी गहराई का पता नहीं निकाल पाए गलत सुना बहुत सारी मेहनत करा देते हैं यार बहुत मेहनत के बाद अब ये रूम मिले हमें बोल गया एक हमारा ये रूम है हटो हट गए भाई हट गए और इसी रूम के साथ सेपरेट में मिला हुआ हमें एक है ये रूम मिल लो यार सबसे मिल लो पहले कि मैं मेरे जिगरियों से मिला ये थोड़ा मेल मिलाप हो रहा है उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ बाहर का व्यू यहाँ से देखो यहाँ से दिखता है पूरा नैनीताल ओके यार थोड़ा हम रेडी हो गए हम लोग थोड़ा सा बाहर घूमने जाएंगे और कुछ लड़के हो रहे हैं यहाँ पे अभी रेडी एक ही बंदे का फेस वॉश मिल गया है तो सारे के सारे लगाए पड़े उसको यो भाई सारा फेस वॉश खत्म कर दिया क्या वो बंदा भी आ गया जिसका था भाई सुनील भाई आ भी कह रहे तो ये क्या कर रहे हो तू मेरे फेस वॉश खत्म कर दिया गरम गरम पानी यहाँ पे ना बैलेंस करने का नहीं है गरम और पानी तो गरम पानी दोनों की टंकी चला रखी है ऐसे ऐसे करके ले रहे हैं यार हद कर दो यार कसम से दे दिया बाजू को मैंने अरे ओए मेरा तो आ नहीं रहा यार अरे जी मतलब यहाँ पे मतलब क्या हो रहा है ना देखो ये अब नहीं मिला तो ये तो कहो गई मंगल सिंह पैसे वैसे तो यहाँ पे हम आए मतलब बहुत जिद करते करते नैनीताल स्टे करना पड़ा क्योंकि ये दोस्त लोग जाने तो देते नहीं है तो अभी तो हम भी इनको ले पहले इनको ले हमें मत ले इनको ले ये सूखी सी शक्ल के इसको ले इनको ले इनको ले और ये देखो ये मोटा खाओ खाओ कोई बात नहीं भाई हसन देखो मन है तेरा खड़ा होने हो भैया बारिश हो रही प्लीज यार लेट ले लो लेट ले लो और भाई मौसम इतना सेक्सी हो रहा है मैं मौसम फील नहीं करा सकता लेकिन दिखा सकता हूँ खाली ये देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है ये उठ गया ये जूते किसके ये मोड़ के क्यों पहने मेरे तो नहीं है पहन मेरे किसने पहने हाँ व्हाइट वाले जूते हैं खराब हो जाएंगे मोड़ के पहन भाई इसमें हो जाएंगे यार वो तूने इससे पहले अब इसने तेरे पहने थे इससे पहले इसने तेरे पहने थे यही कहा था यही कहा था मैंने सोते हुए देखा कि यही कहा था ये तेरे वाले जूते पहन के गया था मेरे जूते और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं चाइना पीक ऐसे ब्रेकफास्ट में शाम का नाश्ता भी कर लिया था रात का पीछे भी आगे करेंगे रात का बचो सॉरी यार हाँ
रात का बच्चों का नाश्ता कर लिया था, अब बस यहाँ से जा रहे हैं। यहाँ पे नींबू मसाला मिला रहा है इनसे लोग, नींबू मांग के मतलब जहाँ पे जाओगे हर कहते छिछली रंगीन है तुम्हारी। भैया एक पानी दोस्त नहीं होते यार, ये जो तूने बनाया ना और अब जा रहे हैं हम लोग चाइना पीक, क्योंकि यार पहाड़ पे आओ ट्रैकिंग ना करो मजा नहीं आता मुझे, हालांकि मेरा शरीर गवाही नहीं देता इन सारी चीजों को, बट फिर भी अंकुर करना चाहिए ट्रैकिंग तो देखो करनी चाहिए, करनी चाहिए, शरीर में तन मतन में आग लग जानी चाहिए, ज्वाला सी भड़क जानी चाहिए। भैया चाइना पीक के लिए ना ट्रैकिंग स्टार्ट करने जा रहे थे, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आप लोगों को यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं चाइना पीक की। अच्छा ठीक है अच्छा, लेकिन जैसे ही स्टार्ट कर रहे थे उससे पहले ही ये बंदे, इनको पहले खाना चाहिए, पहले खाना चाहिए ना। अरे यहाँ से जाएंगे डायरेक्ट, लगभग डेढ़ घंटे का रास्ता है, है 3-4 किलोमीटर ही, बट ये ना खड़ी चढ़ाई तो टाइम लगता है थोड़ा बहुत ज्यादा। खा ले भाई जल्दी खा ले थोड़ा सा, ट्रैकिंग की शुरुआत करते हैं। मैं तो यार 5 सेंटीमीटर पर थक जाता हूँ, मैं पेड़ कहीं पे भी दिखे तो उनके नीचे से निकल जाओ। सिंपल रूट समझ में नहीं आते हैं ना, आराम से जा रहे थे वो अच्छा ही लगता है लोगों को, पहाड़ों में ट्रैकिंग का मजा है। अबे संभल गए, रुक जा रुक जा रुक जा, आराम चढ़ो, मैं खुद चढ़ूंगा। चलो बहुत ही नीचे है अभी, कुछ ज्यादा ही चढ़ी, खड़ी चढ़ाई है। अंकुर तो भाग के चले जाता है, फिर थोड़ी दूर जाकर आराम कर लेता है, तो मेरी बहन बच गई है। दोस्तों क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? नहीं। ठीक है फिर। एक और शॉर्टकट मिल गया यहाँ से, पर ये भी काफी खड़ी चढ़ाई है, लेकिन पहाड़ पे दोस्तों चढ़ाई करने का तो मजा। तू मेरे कूच लेना, ऊपर से कूच लेना तो मैं तुझे कूच लूंगा, तू मुझे कूच जाइयो। अभी अब ऐसा ही कोई पकड़े ना, अरे रुक जा, हट 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 हट, धीरे तो बता दियो ना ना। अरे दादी व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, ये लोग ऐसा कह रहे हैं। पूरा नैनीताल दिख रहा है, कट्टा हो पकड़ो ऐसे उड़ जाओ। मैं कट्टा तू ला दे, मैं तो कह रहा हूँ मैं नीचे जा रहा हूँ अभी कट्टा लेने। तू यही वेट कर, मैं भाग के कट्टा नहीं लाया, मेरा नाम बदल देना, लाओ कट्टा ला उड़ जाऊंगा भाई। मैं जा रहा हूँ कट्टा लेने, अपनी बात पे रहिए। जस्सी सच्ची में चाइना पीक ऊपर से और भी ज्यादा अच्छा व्यू है, बट ये भी जहाँ हम लोग आए अभी बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा ऊपर आने के बाद बैठने की जगह थी, मैं थोड़ी देर रुकूंगा यहाँ पे, भाग के आ गया था मैं, अभी आराम करूंगा, वो लोग आ रहे हैं नीचे से। नैनीताल यार बहुत ही ज्यादा ऊपर आ चुके हैं अभी, और अभी थोड़ा सा और ऊपर चढ़ाई करते हैं। जिंदगी सवार दू एक नई बहार दू, दुनिया ही बदल दू, मैं तो प्यारा सा चमत्कार हूँ, मैं किसी का सपना हूँ आज बन चुका हूँ सच, अब ये मेरा सपना है कि सबके सपने सच मैं करूँ, आसमां को छू लूं तितली बन या ये पहाड़, मैं हूँ एक उड़ता रोबोट डोरे मानो या न मानो। फूंक मारो, दुआ हो गया सवाल के सवाल, दुआ हो गया बाबा, आग जल्दी बाबा, दुआ हो गया, हाथ सेक लो भाई, इनबिल्ट वाली आग जल्दी बाबा, बहुत तेज धुआं हो गया, बहुत तेज धुआं, आ जाओ आ जाओ, धुआं जल्दी बाबा निराला, दूर रहे ना, पैंट संभाल ले, अरे पैंट बाबा निराला, पैंट संभाल, लग गया आग जल गई भाई, पैंट बाबा निराला। तो वैसे चाइना पीक पे तो हम लोग पहुंच चुके हैं, असल में अभी भैया ने मुझे बताया चाइना पीक नहीं चीना पीक है, चीना पीक है, यहाँ पे चीना बाबा का मंदिर है, उसके नाम से प्रसिद्ध है, चीना पीक नाम है। अरे क्या मेरे मुंह में घुसे रहे, मेरे मुंह में घुसेगा, सिनेमैटिक बनाऊंगा मुंह के अंदर से। वैसे अंकुर, अरे संभाल कर,
अंकुर एक चीज और भी है, इसका एक और फायदा है, यहाँ से गिर के डायरेक्ट मरोगे, मतलब रास्ते मरेगा। मैं तो वहाँ जाके मर जाऊंगा। मैं नीचे देखती हूँ। दोस्तों मुझे यहाँ पे शेर के धारने की आवाज आ रही है। सॉरी कुत्ता था, मुझे लगा शेर है, ये तो कुत्ता निकला दोस्तों। भाई यार थैंक यू फॉर वॉचिंग यार, और क्या कर रहे हो यार वीडियो को बढ़ाओ बढ़ाओ यार। अभी तुम इंस्टा पे उस दिन कह रहे थे व्लॉग डालो, व्लॉग डाल दिया 2000 व्यूज आए। ये तो बेइज्जती वाला काम कर, दो बेइज्जती वाला काम कर देते। ये तो अंडरवर्ल्ड में धुतू हो रही है यार अपनी छोटा डा। ठीक है भाई, बाय यार।